हेलो दोस्तों, दाल चावल हो या सब्जी रोटी या कोई बोरिंग सा खाना, उसे और भी स्वादिष्ट और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हम एक साइड डिश बनाएंगे। इस मिर्ची को भर करके बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये मिर्ची लगती है और बहुत जल्दी से फटाफट से बन जाती है। घर में जो सामान पड़ा है उसी से बन करके ये तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिर्ची को बनाने के लिए फटाफट हम एक मिक्सर का जार ले लेंगे, उसमें एक कप मूंगफली यानी सिंगदाना डाल देंगे, 8-10 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला और सबसे ज़रूरी स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को डाल करके इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने एक दरदरा सा पाउडर बना करके रेडी कर लिया है। अब इस पाउडर को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हींग यानी कि 1/4 टीस्पून के करीब और खूब सारी हरी धनिया डाल करके इसे हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा टेस्टी सा मसाला बन करके तैयार हो गया है। और इसे बनाने के लिए हमने ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है, इसको अच्छे से धो करके सुखा लिया है और बीज से इस तरह से हम चीरा लगा लेंगे। इसमें ज़्यादा बीज वगैरह नहीं होते हैं और ये तीखी भी नहीं होती है, तो इसके बीज वगैरह निकालने का कोई टेंशन नहीं है। और इसे अब हम भरना शुरू करेंगे। तो सारी मिर्चियों को मैंने इस तरह से बीज से काट लिया है। अब मसाले को आप चाहें तो चम्मच से ही भर लें या तो हाथ से भर लें। इसे दबा दबा करके जितना अच्छे से आप भरेंगे इसका उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो मैं इसे हाथ से ही देखिए दबा करके इस तरह से भर ले रही हूँ। तो सारी मिर्चियों को हम इसी तरह से दबा दबा करके अच्छी तरह से भर लेंगे। और आप चाहें तो इस मसाले को शिमला मिर्च में भी भर के बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारे शिमला मिर्च भी बन करके इस तरह से तैयार होते हैं। तो देखिए, सभी मिर्ची को मैंने भर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम बहुत कम यानी कि 2 चम्मच के आसपास मैंने तेल डाल करके इस तरह से फैला लिया है चारों तरफ। अब गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे, इसे एकदम मध्यम आँच पर ही हमें पकाना है और एक एक मिर्ची को हम उठा करके इस तरह से सेट कर देंगे। और जो थोड़ा सा मसाला बच गया था उसे भी मैं इस तरह से ऊपर से डाल दूंगी। अब इसे हम ढक करके 2-3 मिनट के लिए रहने देंगे। उसके बाद 2-3 मिनट बाद इसे चेंज कर देंगे, उलट पलट करके अच्छी तरह से हम इस मिर्च को पका लेंगे। तो देखिए, 2 मिनट में ही हमारी नीचे की तरफ से मिर्च पक गई है। इसे उलट करके मैं 2-3 मिनट और पका लूँगी। बहुत बढ़िया सी हमारी ये मिर्च बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब चाहे नॉर्मल सा दाल चावल हो या सब्जी रोटी, इस मिर्च के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके ये रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।